नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज एक हम ऐसे आईटी सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करेंगे जो आज के समय में पेनी स्टॉक है, लेकिन ये कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि आपको एक मल्टीबैगर के रूप में रिटर्न दिला सकता है। दोस्तों, ये स्टॉक आज आपको 14 रुपये पे मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी में क्षमता है। इस कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे, इस कंपनी का बिजनेस देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये कंपनी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दोस्तों, कि इस कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है, ये कंपनी डेप्ट फ्री है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस कंपनी में आगे और क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इस कंपनी का नाम बताते हैं। इस कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। दोस्तों, इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड एक आईटी से रिलेटेड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विस मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, पेमेंट गेटवे सर्विसेज पे ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी देखिए, ये वर्टिकली तो वर्क कर रही है, लेकिन किसी एक सेक्टर पे नहीं है, ये वर्टिकली 3-4 सेक्टर पे वर्क कर रही है। इस कंपनी का मैं एक खासियत आप लोगों को और बताऊंगा कि ये कंपनी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। जो हम गेटवे पेमेंट करते हैं, तो ये कंपनी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। तो देखिए, ये कंपनी अभी आगे जाके और बड़ा बन सकता है। देखिए, ये पेमेंट गेटवे में थर्ड है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन आगे जा रहा है, तो हम देख रहे हैं जहाँ हम छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हम फोन पे पेटीएम के थ्रू करने लगे हैं, तो ये कंपनी उनको मैनेज करती है। तो आने वाले समय में हम जो पेमेंट सिस्टम करते हैं UPI के थ्रू करते हैं, बार कोड स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं, तो आने वाले समय में और ट्रांजेक्शन बढ़ने वाले हैं, तो ये कंपनी वहाँ भी आपको आने वाले समय में एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। अगर हम इसके दो मेजर सेगमेंट की बात करें कि ये रेवेन्यू मिक्स कैसे आता है, ये कंपनी कैसे कहाँ से बिजनेस कर रही है, तो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज से इस कंपनी का 78% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और बाकी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से 22% का इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर से सेगमेंट से रिलेटेड करें तो सर्विस मेंटेनेंस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, तो इनसे ये लगभग 22% का ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। और इस कंपनी का एक खासियत और है, इस कंपनी के पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मतलब इस कंपनी के पास अच्छे खासे कस्टमर हैं, तो इनको बिजनेस की भी कोई कमी नहीं। इसलिए ये कंपनी के सामने मैं आप लोगों को इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। और ये कंपनी देखिए, इसका 2-3 खासियत और है, इसके मैं एडवांटेजेस भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी मौजूदा भाव की बात करते हैं। लगभग 14 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, 52 रुपये का 52 हाई इसका लगभग 29 रुपये 20 पैसे का है। लगभग ये 39,004,000 करोड़ की इसका इस कंपनी का मार्केट कैप है। दोस्तों, हम किसी भी कंपनी का मेजरमेंट उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो कंपनी कितना कमा रही है, हम उससे उसका आकलन करते हैं। तो ये कंपनी चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, ये कंपनी आपको हमेशा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। यही इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है। अगर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो ये मार्च में इस कंपनी ने 29 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, दिसंबर में इस कंपनी ने 25 करोड़ का, उससे पहले सितंबर में 19 करोड़ का, उससे पहले जून में ये कंपनी ने 14 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। ये तो मैंने क्वार्टर वाइज बता रहा था। अगर मैं इस कंपनी की आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूं, तो देखिए 2019 में इस कंपनी ने 127 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2020 में 108 करोड़ का, 2021 में 72 करोड़ का, और 2022 में इस कंपनी ने लगभग 87 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये कंपनी भी लगातार जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि इस कंपनी के ऊपर 0 डेब्ट है, ये कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। दोस्तों, यह पेनी स्टॉक है, माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है, उसके बावजूद भी इस कंपनी पे कर्ज नहीं है, तो ये कंपनी आपको आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न तो डेफिनेटली दे सकता है। दोस्तों, मैं आपके सामने बता रहा हूं, तो आपको अंधा होके इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको भी अपना एक एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि देखिए
मार्केट में हमेशा आपका सेल्फ एनालाइज ज़रूर होना चाहिए। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास लगभग 30% का स्टेक है, FII का भी 7% इन्वॉल्वमेंट है, DII का ना के बराबर है और पब्लिक के पास लगभग 61% के ऊपर का स्टेक है। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये कंपनी आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक को शामिल करना चाहिए। उसके पीछे मैं आपको 2-3 रीज़न बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट कमाना इस कंपनी को आता है। दूसरा चीज़, इस कंपनी के पास अच्छे अच्छे कस्टमर हैं, इनका क्लाइंट बेस मजबूत है। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वर्ल्ड का फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है। जैसे हम मार्केट जाते थे, पहले लेन देन कैश में करते थे, आज की डेट में आप देखेंगे कि हमने कैश में लेन देन 20-30% कम कर लिया है और आने वाले समय में हम पूरी तरह से कैशलेस भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी गवर्नमेंट चाह रही है, गवर्नमेंट जैसे इनिशिएटिव ले रही है। तो इन सब को बातों को देखते हुए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में 10-20-30 शेयर या 1,000-2,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा मल्टीबैगर के रूप में रिटर्न मिल सकता है।